तो नमस्कार दोस्तों, मैं सरोवर कुमार यादव, सरोवर यूट्यूब मैकेनिकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हमारे वर्कशॉप पर आज 1635 गाड़ी आया हुआ है। इस गाड़ी में ऐसा क्या हुआ है, चैम्बर में पानी चला जाता है, क्यों पानी जा रहा है आप लोगों को चेक करके हम दिखा रहे हैं दोस्तों, कहाँ से हमारा पानी जा रहा है। तो देखिए हमारा कहाँ से पानी जा रहा है आप लोग दिखा रहे हैं। देखिए हमने चैम्बर को खोल लिए है, चैम्बर हमने खोले है, देखिए चैम्बर हमने खोले, देखिए पानी गिर रहा है हमारा। यहाँ से हम रेडी वाटर में, यहाँ से हमें फूकना है, मुंह से फूकना है और हवा थोड़ा सा डाल देना है। यहाँ से हमारा पानी बहुत ज़ोर से आ रहा है, देखिए आप लोगों को दिखा दे रहे हैं हम। तो देखिए हमारा रेडी वाटर में फूक रहा है, तो पानी देखिए हमारा गिर रहा है, इसमें देख सकते हैं आप, पानी हमारा ऑयल पम्प के जाली पे गिर रहा है हमारा दो नंबर से। तो इसमें कहाँ से पानी आ रहा है आप लोगों को हम खोल के दिखा रहे हैं। देखिए इसको हमें हाफ इंजन खोलना है, तो इसको हम शो साइड में सब खोल के हेड उतार के उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ से हमारा बीमारी है, क्या हुआ है इसमें। देखिए दोस्तों आप वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों देखिए हमने सारा चीज़ खोल लिए है, हमें जितना खोलना था हमने खोल लिए है। दोस्तों देख सकते हैं हमारा सारा सामान खुल चुका है। अब हमें अच्छी से इसको वॉश करके चेक करना होगा, क्रैंक सब कैसा है नहीं है, उसके बाद हमें चेक करना होगा इसमें क्या प्रॉब्लम था, कहां से पानी आ रहा था। दोस्तों आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, किसान भाइयों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए हमने एक ठो लाइनर निकाल लिए लाइनर ब्लॉक से। तो दोस्तों आप लाइनर का हालत देख सकते हैं, पूरा पानी से खिया ला के छेदा हो चुका है। और दोस्तों देखिए यहाँ से हमारा पानी लीकेज हो रहा था, लाइनर का वायरिंग कट गया है ओवर हीट होने के वजह से। तो दोस्तों देखिए लाइनर पूरा सीज हो चुका है इसका, तो हमें इसका हेड भी बनवाना होगा। दोस्तों इसका हेड का सीट पूरा कट गया है, पूरा आप देख सकते हैं भेल भी कट गया है, दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों देखिए कैमरा नज़दीक करके दिखाता हूँ, पूरा भेल इसका कट चुका है, हमें हेड बनवाना होगा। काफ़ी रनिंग लेने के बाद ये गाड़ी स्टार्ट हो रहा था। तो दोस्तों देखिए इसका भेल का स्प्रिंग भी सारा टूट चुका है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आप इसका ओवरहीट होने के वजह से पिस्टन भी सीज हो चुका है इसका। तो इसका हम अलग अलग से सामान मंगाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, इसीलिए हमें दोस्तों इसका इंजन किट मंगाएंगे हम। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका कनेक्टिंग का सीआर बूस भी पूरा बुरी तरह से ख़त्म हो चुका है, बहुत ढक है, हमें इसका लेथ वाला के पास भेज के इसको बूश बनाना होगा। दोस्तों हेड भी बनाना होगा हमें। तो नमस्कार दोस्तों, आज दिखाने जा रहा हूँ कि हमने सारा सामान वॉश कर लिया, अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों हमने सारा सामान वॉश कर लिए है। अभी जब किट मंगाए हुए दोस्तों, किट से हमारे सब सामान हासिल हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने हेड का भी काम करा लिए है, उसके बाद दोस्तों देखिए कनेक्टिंग का बूश आगे वीडियो में दिखाए तो दोस्तों कट चुका था, हमने बूश कनेक्टिंग का भी अच्छी से बनवा लिए है लेट से। दोस्तों हमने सारा सामान को अच्छी से वॉश कर लिए है, तो हेड और कनेक्टिंग का बूश हमने नया बनवा के लाए हैं लेट से दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम फिटिंग का वीडियो दिखाएंगे दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, आज बहुत मज़ेदार वीडियो बनने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए पहले आगे वीडियो में दिखाए थे दोस्तों कि हमारा ये ढक था, अभी ढक उक नहीं है दोस्तों, हमने इसका इजली एकदम फ्री है, लेकिन ढक थोड़ा सा भी नहीं है दोस्तों। ये हमारा बनवाना होता है, जब भी इंजन खोलो हाफ इंजन या फुल इंजन, इसका बूश बनवाना एकदम अनिवार्य होता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमने इसका हेड भी बनवाए है दोस्तों, ये पहले दिखाए थे, हमारा सीट कट चुका था, भेल भी कट चुका था दोस्तों, हमने सब इसको लेस पे ले जाके अच्छा से बनवाया दोस्तों। देखिए हमारा ये इजली बहुत ठीक है दोस्तों, कभी भी इंजन बनाओ दोस्तों तो हेड बनवाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि
हेड और कनेक्टिंग अनिवार्य होता है दोस्तों बनाने के लिए। अगर कटा हुआ रहता है तो उसको बनाना एकदम ज़रूरी होता है दोस्तों। रोकिए दोस्तों, देखिए हमारा पूरा इंजन किट का ओवर वायरिंग पैकिंग है दोस्तों। देखिए हमने इंजन किट नया मंगाया है दोस्तों, तो उसी में सब हासिल हुआ है दोस्तों। देखिए हमने तो देखिए दोस्तों, हमने पूरा ब्लॉक को अच्छी से वॉश कर लिए है। अब हमें फिटिंग करना है दोस्तों, फिटिंग का वीडियो हम दिखाएंगे दोस्तों इसी वीडियो पर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले फिटिंग करने से पहले हमें क्रेन का साइड प्लेट चेक करना है दोस्तों। थ्रस वाशर वाला जगह हमारा कटा तो नहीं है, तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये ठीक है। देखिए दोस्तों ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें चेक करना होता है, आपको नचा के दिखा रहे हैं। देखिए उसके बाद दोस्तों हमें चेक करना होता है कि हमारा करेंट तो नहीं कटा है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा करेंट ठीक है, थोड़ा सा भी नहीं कटा है, इसीलिए हमने दोस्तों इसका क्रैंक नहीं उतारे है। क्रैंक हमारा ठीक है, इतना ही पे हमें हाफ इंजन का काम करना है दोस्तों। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें दोस्तों लाइनर फिटिंग करना है दोस्तों आयल गेज के मदद से। इसी तरह से हमें ओरिंग सबसे पहले बैठा लेना है, दो ठो ओरिंग इसी तरह से दोस्तों। एक एक को दिखाएंगे दोस्तों फिटिंग का वीडियो, काहे कि ज़्यादा दिखाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो लाइनर सीम कुछ इस तरह से हमें थोड़ा सा एरो लाइट लगा के बैठा लेना है, कुछ इस तरह से इजीली हमारा बैठ जाता है। थोड़ा सा एरो लाइट लगा लिए है, कुछ इस तरह से बैठा के उसके बाद हमें ओरिंग पे थोड़ा सा सुलेशन इस तरह से हमें लगा लेना है। दोस्तों इस पे ओरिंग पे सुलेशन नहीं डालोगे तो भी हो सकता है, लेकिन हम जितना इंजन कसते हैं डाल देते हैं दोस्तों। इंसुलेशन से कोई दिक्कत नहीं होता है, अच्छे रहता है। उसके बाद दोस्तों हम लाइनर बैठा के दिखाएंगे। हमने लाइनर ब्लॉक को अच्छी से साफ कर लिए है, तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरह से हमें इजीली बैठ जाएगा। थोड़ा सा पुश करेंगे और बैठ जाएगा। इसका सफाई अच्छा रहता है, अच्छा से साफ रहता है दोस्तों, तो इजीली बैठ जाता है। हमें इसका ठोकने का कोई ज़रूरी नहीं है, ईजिली हमारा हाथ से पुश करके बैठना चाहिए। और इस तरह से हमें लाइनर ब्लॉक गैस्केट पे थोड़ा सा एरो लाइट लगा के इसको भी बैठाना होता है। उसके बाद सबसे पहले हमें लाइनर ब्लॉक को हमें डालना है, तो सबसे पहले हम दो नंबर डालेंगे पिछला वाला। देख सकते हैं गैस्केट लगा के कुछ इस तरह से हमें आसानी से बैठाना होता है, इजीली बैठ जाता है, देख सकते हैं आप भी। उसके बाद हमें एक नंबर दोस्तों इसका पीछे से होता है टंकी साइड से, और तीन नंबर हमें डालना है। उसके बाद वाटर मैनिफोल्ड में गैस्केट इस तरह से लगा के हमें थोड़ा सा सुलेशन लगा के 6 वोल्ट लगेगा 13 नंबर, इसको कसना है ताकि हमारा ब्लॉक का लाइनर ब्लॉक का सेंटर मिल जाए। ये कस देंगे दोस्तों तो हमारा लाइनर ब्लॉक का सेंटर अपने आप मिल जाएगा, अल्टर नहीं होगा, क्योंकि हमारे बैठ जाता है तो डालने में बाद में दिक्कत होगा, इसीलिए हमें इसका कस के सेंटर मिला लेना है अच्छा से इसी तरह से। उसके बाद पुराना वाला हेड गैस की डाल के हमें तीनों हेड को टाइट करना होगा ताकि हमारा इजीली बैठ जाए। हमारा लाइनर थोड़ा सा भी ऊपर नीचा नहीं रहना चाहिए। Thank you.
अपने आप लेवल पे आ जाएगा। हम तो इसी तरह से इसका लाइनर बैठाते हैं, इस तरह से दोस्तों बैठाने पर हमारा लाइनर में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, इजीली बैठ जाता है। इस तरह से आमने सामने करके दो बोल्ट टाइट कर देंगे तो ये बैठ जाएगा, और उसके बाद एरो लाइट हमारा सूख जाएगा। तो इसको खोल के हम आप लोगों को दिखाएंगे कैसे पिस्टन का फिटिंग होता है और पिस्टन कैसे कनेक्टिंग में फिट किया जाता है, कैसे डाला जाता है, सब दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, किसान भाइयों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कैसे हमारे इंजन का काम करवाना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये पिस्टन में लॉक फंसा लेना है। लॉक फंसा के थोड़ा आयल कन के मदद से हमें आयल लगा लेना है। आयल लगा के गजल पिन कुछ इस तरह से इजीली फंसाना है, और ये कोट का साइज नोजल साइड आएगा दोस्तों, देख सकते हैं, ऐसे इजीली बैठ जाता है, और लॉक को भी फंसा लेना है। तो दोस्तों कम वाला साइज है पिस्टन का, वो आएगा नोजल की ओर। कुछ इस तरह से हमें सारा पिस्टन को फंसाना होता है, देख सकते हैं आप भी, दिखा दे रहे हैं कैमरा नज़दीक करके दोस्तों, ये देख सकते हैं ये दोस्तों कम वाला साइज, और ये नोजल को ओर से आएगा। उल्टा नहीं डालना है, और उल्टा फिट भी नहीं होता है दोस्तों, कनेक्टिंग तो उल्टा लगेगा नहीं। और हमने सी आर वायरिंग नया मंगाए है, स्टैंडर्ड साइज है दोस्तों, स्टैंडर्ड, क्योंकि इसका क्रैंक अभी तक नहीं खुला है। 2004 मॉडल गाड़ी है दोस्तों, और अभी तक इसका क्रैंक नहीं। स्वराज का तो एक यही खूबी है कि इसका क्रैंक जल्दी नहीं कटता है, आयल हमारा लेवल पे रहेगा तो कभी भी क्रैंक इसका नहीं कटता है दोस्तों, देख सकते हैं। उसके बाद हमें रिंग को फंसाना होगा पिस्टन में, देख सकते हैं दोस्तों, इस हिसाब से हमारा फंसाना होता है। स्प्रिंग का कोट और इसका कोट एक दूसरे के अपोजिट साइड में रहेगा, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पेंट दिया हुआ है, यहाँ पर हमें ये कोट का सेंटर डालना है, और टॉप का ऊपर का वो भी देख के हमें फंसाना होता है, और इस तरह से हमें नचा के चेक करना होता है कहीं हमारा रिंग अटक तो नहीं रहा है। और कुछ इस तरह से हमें कंप्रेसर रिंग को भी हाथ से अच्छी से फंसा लेना है, ताकि हमारा रिंग ना टूटे, क्योंकि बहुत नाजुक होता है रिंग। हम तो दोस्तों रिंग क्लिपर रखे हुए हैं, लेकिन हम यही से डालते हैं, हाथे से डाल देते हैं, देख सकते हैं आप, इजीली हमारा रिंग बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है फंसाने में। इसी तरह से हमें चेक करना होता है कहीं हमारा रिंग फंस तो। कुछ इस तरह से हमें अच्छी से मट्टी तेल के मदद से अच्छी से वाश करके हमें लाइनर में आयल लगा लेना है, और क्रैंक में भी आयल अच्छी से लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें पिस्टन डालना है, तो सबसे पहले हमें क्रैंक का सेंटर मिलाना होगा कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें अच्छी से फिर से मट्टी तेल से हमें अच्छी से वाश करना होगा ये कनेक्टिंग और पिस्टन को, रिंगे को अच्छी से वाश करके उसके बाद डालना होगा दोस्तों। जितना बेहतर हमारा सफाई होगा उतना बेहतर हमारा काम होगा। आधी सफलता हम लोगों को सफाई में मिल जाता है, आप देख सकते हैं कितना अच्छी से हमने वाश करके फिट कर रहे हैं। उसके बाद हमें आयल कन के मदद से हमें आयल लगा लेना है सी आर बैरिंग पर और सी आर बूश पर। उसके बाद हमें रिंग में भी आयल अच्छी से लगा के इंजन आयल फिट करना है अच्छी से। इस तरह से हमें आयल लगा के मिला के उसके बाद लाइनर को भी लाइन लगाना है, और रिंग का सेंटर मिला के हमें रिंग डालना है।
एक दूसरे के अपोजिट साइड में हमें रिंग डालना है, कुछ इस तरह से। हम तो इसी तरह से डालते हैं, सब मैकेनिक का अपना अपना तरीका होता है रिंग डालने का, हम तो इसी तरह से डालते हैं दोस्तों। आज तक हमें दिक्कत नहीं हुआ है, इसीलिए हमने इसी तरह से डालते हैं। उसके बाद रिंग क्लिपर के मदद से हमें रिंग डालना होता है। रिंग डालने का स्पेशल टूल्स हुआ ये। उसके बाद कुछ इस तरह से हमें बैठाना होता है ताकि हमारा रिंग ना घूम जाए। इस तरह से हमें अच्छे से मिला के टाइट करना होता है ताकि हमारा रिंग घूमे ना। अच्छे से हमें सावधानी बरत के हमें ये टाइट करना होता है। उसके बाद अच्छे से हमें टाइट करके नीचे में सेंटर देख लेना है हमारा कनेक्टिंग का, सही है तो हमें डालना होता है। कुछ इस तरह से हमें थोड़ा सा हाथ से पुश करके चला जाता है दोस्तों इजीली। उसके बाद हमें थोड़ा सा पुश करके इंजन को घुमाना है सीधी दिशा में और हमें फिट करना होगा कनेक्टिंग का पल्ला। कुछ इस तरह से हमें इंजन को नचा लेना है। अब दिखा दे रहे हैं दोस्तों, हमने अच्छे से मट्टी तेल में वॉश किए, उसके बाद ऑयल लगा के ये मखिया घाट देख रहे हैं दोस्तों, ये मखिया घाट सेंटर मिला के कसना होगा, देख सकते हैं। तो देखिए हम इसको टाइट कर रहे हैं इस मखिया घाट में और इसमें मिला के कसना है इस तरह से। केम साइड हमारा मखिया घाट रहेगा दोस्तों, और 17 का बोल्ट फंसाना है, टाइट करना है। तो सबसे पहले हमें गोटी हैंडल से इसको सटा लेना है अच्छे से, दोनों नट को फुल टाइट नहीं करना है, गोटी हैंडल से इसे सटाना है। उसके बाद दोस्तों हमें टॉर्क रिंच के मदद से हमें टाइट करना होगा। तो हम इसका 11 kg पे हमें टाइट करना है, देख सकते हैं आप, कैमरा नज़दीक करके दिखाता हूँ। तो देखिए हमारा टाइट ये टॉर्क रिंच के मदद से इजीली हो जाता है। तो दोस्तों ये टाइट हो जाता है तो अपने आप खटखट बोल देता है, तो टाइट हो गया हमारा। बाद में हमें कनेक्टिंग को साइड प्ले चेक करना है, आप देख सकते हैं दोस्तों इजीली हमारा प्ले है, ठीक है। उसके बाद इंजन को फिर से सीधी दिशा में घुमा के पिस्टन को टॉप करना होगा, देख सकते हैं। तो टॉप करके हमें चेक करना है हमारा क्लियरेंस सही है कि नहीं। तो दोस्तों हमारा क्लियरेंस सही है। उसके बाद हमें पिस्टन का चारों ओर साइड प्लेट चेक करना होगा। तो जब भी पिस्टन डालो चारों ओर साइड प्लेट रहना चाहिए, ना कि हमारा एक दिशा ताना हुआ रहेगा तो हमारा फिर से गाड़ी बैक कंप्रेसर हो जाएगा, तो वो हमारा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमें हेड का फिटिंग करना होगा दोस्तों। देखिए ये हमारा दो वाशर लगेगा सबसे पहले, उसके बाद दो हमें भेल सील ठोकना है इजीली हमारा 12 की गोटी से। कुछ इस तरह से हमें थोड़ा सा फटका लगा के आराम से बैठ जाता है, तो ये भी बहुत नाजुक होता है, अच्छे से मिला के ठोकना होता है, ना कि नहीं तो हमारा भेल सील ख़राब भी हो सकता है। तो दोस्तों हमने एक एक करके एक लाइनर, एक पिस्टन और एक हेड फिटिंग करके दिखाऊँगा दोस्तों। ज़्यादा दिखाएँगे तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हमें कुछ इस तरह से फिट करके हमें भेल फंसाना होगा, कुछ इस तरह से बैठाना होता है, नहीं तो हमारा वो ख़राब हो जाएगा भेल सील, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो। उसके बाद में हमें भेल को बैठाना होगा, थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा लेना है, ऑयल लगा के भेल में और हेड में भी नंबर दिया हुआ रहता है, वो देख के हमें फंसाना होगा। इंग्लैंड और जस्ट भेल को
देख के अच्छे से हमें फंसाना होता है ताकि हमारा अच्छी रे उल्टा ना लग जाए। उसके बाद हमें दो स्प्रिंग लगेगा, वाल्व स्प्रिंग, वो डाल के और कैप लगा के हमें एक भेल में दो लॉक रहता है वो हमें फंसाना है। दोस्तों आपको आगे वीडियो में दिखाए थे स्प्रिंग टूटा था, हमने स्प्रिंग नया डाले हैं। कुछ इस तरह से हमें दो बूश रॉड की मदद से हमें अच्छी से थोड़ा सा दाब देना है, इजीली हमारा बैठ जाता है। इस तरह से हमें लॉक डाल के अच्छी से हमें इसको थोड़ा सा पुश करना है और अपने आप बैठ जाता है। उसके बाद इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके थोड़ा सा फटका लगा के हमें भेल का चेक करना है ताकि हमारा लॉक बैठा कि नहीं बैठा, अच्छी से बैठ जाना चाहिए। उसके बाद हम ब्लॉक में फिटिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों अभी रात हो गया है, वीडियो नहीं अच्छा होगा, इसीलिए हम कल सुबह फिट कर। तो हमें हेड फिटिंग करने से पहले हमें ये सारा बूश रॉड गाइड हमें थोड़ा सा आयल लगा के सभी फंसा लेना है, छोट हो लगता है। इस तरह से हमें फंसा के उसके बाद हमें अच्छी से कपड़ा से वाश करके और हमें एरो लाइट थोड़ा सा मिला लेना है और थोड़ा थोड़ा करके बूश रॉड वोरिंग में कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा लगा के हमें बैठाना होता है। उसके बाद हेड गैस्केट में भी कुछ इस तरह से थोड़ा सा लगा के हमें बैठा लेना है हेड का सिम, और थोड़ा सा एरो लाइट लगा के ये वाटर गाइड का लाइन है इसमें भी फंसा लेना है तीन ठो वोरिंग। उसके बाद देखते हैं बूश रॉड वोरिंग है, ये भी हमें अच्छी से बैठाना होता है थोड़ा सा एरो लाइट लगा के ताकि हमारा लीकेज ना हो। उसके बाद में इसका कैप भी बैठा लेना है कुछ इस तरह से, कैप को और बूश रॉड पाइप को अच्छी से हमें वाश करना होता है ताकि हमारा लीकेजिंग का प्रॉब्लम ना हो। आज तक दोस्तों हमने कसे है तो लीकेजिंग का प्रॉब्लम नहीं आया है। उसके बाद कुछ इस तरह से हमें थोड़ा सा नचा के फिर बैठा के थोड़ा सा पुश करके इस तरह से हमें हेड को बैठाना है। तो हमारा तो कुछ इस तरह से हमें सारा हेड बैठा लेना है। उसके बाद हमें सारा बोल्ट हेड का टाइट करना है, छोटो बोल्ट लगेगा कैप वाला, छोटो बिना कैप वाला लगता है दोस्तों। तो इस तरह से हमें सारा को बोल्ट को बराबर में सटाना है ताकि हमारा हेड टेपर ना टाइट हो, बराबर में सटाना है। और उसके बाद में हमें टॉर्क मारना है। तो देखिए कमरा नज़दीक करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, 13 kg पे हमें टाइट करना होता है दोस्तों। उसके बाद हमें कुछ इस तरह से हमें सारा बोल्ट को टाइट करना होता है। हमारा टॉर्क रिंच खट खट मार दिया तो टाइट हो गया, देखिए कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप भी, आवाज़ दे रहा है। इसी तरह से हमें सारा टॉर्क रिंच के मदद से सारा बोल्ट को टाइट करना है। तो दोस्तों जब भी इंजन कसो तो टॉर्क रिंच के मदद से हमें कसना होता है। उसके बाद हमें बूश रॉड को कुछ इस तरह से हमें डालना है और टाइपिंग चिड़िया को इस तरह से बैठा के हमें सारा टाइपिंग चिड़िया लगाना है। इसी तरह से हमें 17 का बोल्ट और 13 नंबर बोल्ट लगेगा, हमें सारा बोल्ट को अच्छी से टाइट करना होता है। उसके बाद टाइपिट मिलाएंगे, टाइपिट मिलाना है हमें। इसी तरह से हमें टाइट करके दोस्तों इंजन को सीधी दिशा में घुमा के 2 नंबर मार्का जो देख रहे हैं हमें उस पर मिला के हमें टाइपिट मिलाना है कुछ इस तरह से, इजीली आप भी देख सकते हैं।
तो दोस्तों 1, 2, 4, 5 मिलेगा इसमें, और दूसरा राउंड में हमें 3 और 6 का मिलाना है। तो हमारा ये 4, 5, 1, 2 मिल चुका है। अब हमें इंजन को घुमाना है, फिर से इंजन को सीधी दिशा में घुमा के फिर से वही मार्का पे लाना है। देखिए कुछ इस तरह से, आपको भी कैमरा नज़दीक करके दिखा दे रहा हूँ। फिर से हमने उसी मार्का पे लाए हैं, उसके बाद दिखाएंगे। तो देखिए हमारा 3 और 6 का इससे पहले राउंड में डाउन था, अभी देख रहे हैं कितना ढॉक है। हमें वो दोनों को मिलाना है 0.12, 0.10 पे, हमें इस तरह से मिला के फिट करना होता है। इंग्लैंड का 0.10, एडजस्ट का 0.12 हमें डालना होता है कुछ इस तरह से, डाल के चैम्बर फिटिंग करके स्टार्ट करके दिखाएंगे दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहिए। उसके बाद सबसे पहले हमें टायरेट गोली खोल के हटाना है, उसके बाद ये देख रहे हैं आल पंप का जाली में हमें गैस्केट बैठा के टाइट करना होता है। 4 ठो बोल्ट लगेगा, 2 बोल्ट जो गैस्केट साइड लगेगा वो बड़ा वाला है, और 2 बोल्ट इस प्लेट में लगता है। हमें ये 4 बोल्ट टाइट करके हमें ये लगा लेना है, उसके बाद स्टार्ट करके दिखाएंगे। इसी तरह से हमें सोल्यूशन लगा के हमें गैस्केट को बैठाना होता है। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इतना ही पे आप लोगों को फिट करके और इंजन ऑयल सब डाल के सारा चीज़ टाइट करके उसके बाद स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों हमारा यही प्रॉब्लम, हम इसी प्रॉब्लम के वजह से खोले थे कि हमारा इंजन में पानी जा रहा था, तो आपके आगे वीडियो में तो दिखाए थे, तो हमें स्टार्ट करके आप लोगों को। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त सरोवर यादव। तो दोस्तों हमारा गाड़ी कंप्लीट हो चुका है, हमने सारा सामान कस लिए। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए हमने वीडियो नहीं बना पाए। तो दोस्तों स्टार्ट करके दिखाते हैं दोस्तों हमारा गाड़ी कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। हमने रेडिएटर में भी पानी डाल दिए है, इंजन ऑयल सारा सामान हमारा ओके है। अब स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारा गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों को एक्सीलेटर देख के दिखाते हैं। दोस्तों हमारा गाड़ी का साउंड कैसा है, और धुआं सुहा तो नहीं दे रहा है दोस्तों, देखिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा कहीं से ऑयल लीकेज नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों हमारा कहीं से ऑयल लीकेज उकेज नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसान भाइयों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो में आप लोगों को अगाड़ी लाता रहूँगा, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।